मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बाजू में दिख रही बेल आइकन को ऑल प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। हमने एक कढ़ाई में एक कटोरी घी ले लिया है। घी अच्छे से गर्म हो जाएगा उसके बाद हम गेहूं का जो नॉर्मल आटा होता है वही ले लेंगे। आटा हम एक साथ बिल्कुल भी ऐड नहीं करेंगे, धीरे धीरे करके ऐड करेंगे और गैस की फ्लेम को एकदम ही धीमा रखेंगे। थोड़ा सा आटा हमने पहले मिला लिया है, अब उसके बाद हम फिर से थोड़ा आटा ऐड करेंगे। तो एक कटोरी घी के साथ मैंने डेढ़ कटोरी के जितना आटा ले लिया है और इसे अच्छे से हमें सेक लेना है। घी मुझे कम लग रहा था तो मैंने थोड़ा सा घी और ऐड कर दिया है। आप घी की मात्रा आटा सेकने के टाइम थोड़ा सा कम ज़्यादा कर सकते हो। और मुझे फिर से थोड़ा सा ये ड्राई लग रहा है तो मैं इसमें थोड़ा सा और घी ऐड कर रही हूँ, क्योंकि इसमें ही हम नट्स भी डालने वाले हैं इसके लिए। और धीमी आंच पर हम सेकेंगे तो इसमें से प्यारी एकदम खुशबू आने लगेगी। मैंने एक साथ में ज़्यादा घी नहीं लिया है, आप देख सकते हो कि मुझे ज़रूरत पड़ने पर मैंने थोड़ा थोड़ा करके ऐड किया है। यहाँ पर मैं आटा थोड़ा सा सिक जाने के बाद रवा ले रही हूँ, जिसे हम सूजी भी कहते हैं। दो चम्मच मैंने सूजी लिया है और आधा कटोरी के जितना मैंने बेसन ले लिया है। आटा सिक जाने के बाद हम बेसन को ऐड करेंगे और इसे हम धीमी आंच पर प्यारी प्यारी खुशबू आने तक सेक लेंगे। यहाँ पर हम अभी आधा कटोरी के जितना गोंद को भी ऐड कर देंगे। आप चाहे तो गोंद को पहले से भी तल कर रख सकते हो, पर ये मैं शॉर्टकट रास्ता अपना रही हूँ, इसके लिए मैं भी इस तरह से बना रही हूँ, तो वही रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो देखिए गोंद भी इसमें अच्छे से फूल चुका है। गोंद जो है हड्डियों के लिए बहुत ही फायदा कारक होता है। आधा कटोरी से थोड़ा सा ज़्यादा उतना मैंने काजू को दरदरा कूट कर लिया है और साथ ही में मैं दो चम्मच के जितना मगज तरी के बीज ऐड कर दूंगी। गैस की फ्लेम को एकदम ही हम धीमा रखेंगे। एक चम्मच के जितना इलायची पाउडर ले लेंगे, आप इसके अंदर बादाम और अखरोट भी ले सकते हो। एक चम्मच के जितना गुलाब की सूखी हुई पंखुड़ियाँ भी ले लेंगे और सब सामग्री को अच्छे से सेक लेंगे। और सारी सामग्री आप देख सकते हो कि अच्छे से सिक चुकी है। अब ये मिश्रण थोड़ा सा ठंडा हो जाने के बाद जितना हमारा ये आटा हुआ है उसका आधा हम यहाँ पर गुड़ ऐड कर देंगे और लास्ट में मैं एक मुट्ठी के जितना किशमिश भी ऐड कर रही हूँ। ये बिल्कुल ऑप्शनल है। अब सारी सामग्री को अच्छे से पहले हम मिला लेंगे। यहाँ पर हमने गैस पर से इसे नीचे उतार दिया है और थोड़ा ठंडा होने के बाद ही हमने गुड़ को ऐड किया है और बहुत ही अच्छे से मिक्स करके अब हम इसके मन चाहे छोटे छोटे से लड्डू बना लेंगे। आपके पास इस तरह से अगर साचा हो तो आप इसमें भी एकदम डिज़ाइन वाले लड्डू बना सकते हो। ये साचा आराम से आपको कहीं पर छोटे जो बर्तन के दुकान वाले होते हैं या जहाँ से आप केक या चॉकलेट्स का मटेरियल लेते हो वहाँ पर भी मिल जाते हैं। तो देखिए एकदम ही प्यारे प्यारे डिज़ाइन वाले हमारे लड्डू तैयार हैं। तो है ना बहुत ही ज़्यादा हेल्थी और सभी को पसंद आए ऐसे लड्डू। और हम जो है अपने हाथों से भी छोटे छोटे से लड्डू बनाकर तैयार कर सकते हैं। इसके लिए कोई साँचे की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। बस हाथ में थोड़ा सा हम ये लड्डू का मिश्रण ले लेंगे और अपने दोनों हाथों में इसे इस तरह से घुमाते जाएंगे तो आराम से छोटे छोटे से लड्डू हम बना सकते हैं। और बहुत ही ज़्यादा ये पौष्टिक भी है। तो देर किस बात की है। ऊपर से थोड़ा सा हम खसखस को भी स्प्रिंकल कर देंगे।